आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार कर रहे हैं एक चोखा। आप इसको चोखा कह लें, चटनी बोल लें, एक साइड डिश बोल लें। जब आपके घर में सादा सुधा खाना बना हो और लगे कि कुछ चटखारा होना चाहिए, आपको स्पाइस चाहिए, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये ऐसी चटनी चोखा है जो जल्दी खराब नहीं होगा। तो मोटी हरी मिर्च मैंने ली है 7-8, आप ले लीजिए। 5-6 मैंने पतली वाली हरी मिर्च ली है। 15 से 20 आप लहसुन की कलियां ले लीजिए। 1 टमाटर लिया है। कुछ इन्ग्रीडियंट्स हम बाद में यूज करेंगे, पहले इनको हम रोस्ट कर लेते हैं। एक लोहे का पैन ले लिया है मैंने, उसमें मैंने सारी चीजें डाल दी हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी था इसलिए कड़क रहा है। और हल्का सा हम ऑयल डाल देंगे, 1 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए, हल्का इसको चला दीजिए। 3-4 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं, और बीच बीच में आप थोड़ा सा अलग पलट कर दीजिएगा। अब एक बार देख लेते हैं 3-4 मिनट हो गए। देखिए आप कितना बढ़िया से ब्राउन मार्क्स आ गए हैं लहसुन पे, हरी मिर्च पे। हमको ऐसा ही चाहिए। टमाटर में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी हो गया है। तब तक हम हरी मिर्च और लहसुन को निकाल लेते हैं। हरी मिर्च लहसुन मैंने निकाल लिया है, टमाटर को बीच में छोड़ दिया है। 2-3 मिनट और करेंगे ताकि इसमें ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं। इसको हम ढक देते हैं, अलट पलट आप करते रहिएगा। अब देख लेते हैं, आप देखिए इसमें अच्छे बहुत अच्छे से हो गया है, ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। इससे स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा हमारी डिश में, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आराम से इसका छिलका भी देखिए उतर जा रहा है। तो इसको हम छिलका हटा लेते हैं। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। लहसुन हरी मिर्च को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसको बिना पानी डाले हम दरदरा पीसेंगे, कोर्सली ग्राइंड करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। टमाटर को हम बाद में डालेंगे, इसका छिलका मैंने उतार लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। अब आप देखें कि दरदरा सा मैंने इसको पीस लिया है। अब इसमें टमाटर डाल के हम पीस लेंगे। अभी भी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसको हमें दरदरा ही रखना है, पेस्ट की तरह नहीं तैयार करना है। थोड़े से टुकड़े कर लेते हैं, इसमें नमक डाल के इसको हम पीस लेते हैं। तो देखिए बढ़िया से हमारा चोखा तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। मैंने आधे से भी कम नींबू लिया है, छोटा सा नींबू था, बस थोड़ा सा आपको डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो इसको बाकी जो टेस्ट है स्मोकी फ्लेवर वो दब जाएगा, इसलिए बहुत कम आप नींबू डालिएगा। और ऊपर से थोड़ा सा आप तेल डाल दीजिए सरसों का, अगर आपको सरसों का तेल पसंद है तो सरसों का डाल दीजिए, अदरवाइज कोई भी आप तेल डाल दें। उससे क्या होगा, एक तो टेस्ट आएगा, दूसरे ये प्रिजर्व रहेगा क्योंकि ख़राब नहीं होगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमने तेल में भुना है और ऊपर से हमने तेल डाल दिया, तो उसकी वजह से ये कई दिन तक आप इसको रख के खा सकते हैं। हफ्ता भर आराम से इसको खाएंगे। जब आप इसको यूज कर लें उसके बाद वापस फ्रिज में रख दें ढक के, और उसमें गंदा चम्मच नहीं लगाना है, बस साफ चम्मच से आप उसको निकालें। बाकी बचे हुए का आप इसको फ्रिज में रखें। बढ़िया सा आपका डिप, चटनी, चोखा, कुछ भी कहें आपका ये तैयार हो गया है। जब आपके घर में सादा सुधा खाना बना हो तो आप ये चटनी फटाफट तैयार कर सकते हैं, 5 मिनट बन जाती है। आपको ये चावल के साथ भी अच्छी लगेगी और रोटी पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको बना के हमेशा फ्रिज में रखे रह सकते हैं, आपके हमेशा काम आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ। मेरे चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।